Cobra Post supporter meets another hardline leader known for a venom spewing oratory. Sadhvi Ritambhara is an accused in the CBI charge sheet and lays bare much undisclosed information. She describes the mood of the day of the Babri Masjid demolition, saying, "Sab jai jakar ho rahi thi, nare sab laga rahe the." आपने कौन सा बोला था? हमने क्या बोला था? राम हो गया था मत क्या बोलना? और भी कुछ? बस इसी तरह के नारे लग रहे थे। जय श्री राम। हम लोग तो राम हम तो चंद्रकांत का पाठ करने लगे थे। कोई राम किसी तमाम की चौपाइयाँ गाने लगे। ये दीदी आपने कहा था या उमा दीदी ने कहा था? बाबर बोलो जय श्री राम। ये किसका है? सभी लोग कैसे बोल रहे? कौन कौन था ये? अब मंच पे तो बहुत लोग हैं, तो संगठन के लोग ज्यादा बता सकते हैं। चंपत राय नहीं, राजेंद्र जी, चंपत राय जी तो नीचे थे। चंपत राय जी तो क्या लास्ट तक थे? आडवाणी जी थे, श्यामावासी जी थी, आचार्य धर्मेंद्र थे, हम भी थे, जो हमारे गुरुदेव थे, महत्वपूर्ण लोग का मंच थी नहीं लगा थी रोए थे नहीं ऐसा नहीं है। Ritambhara tells the reporter that all the significant people were present on the munch. She says, Champat Rai ji, Rajendra ji, Advani ji, Uma Bharti ji, Acharya Dharmendra the, hum bhi the, hamare Gurudev the, mahatvapurn log sab munch par hi the. However, when asked who were on the mic, Ritambhara declines to comment. She says, nahi bata payenge. अच्छा दीदी ये बता दीजिए कि कौन कौन मतलब नारों में किस किस ने साथ दिया, कौन कौन व्यक्ति है वाकई में नारे लगा रहे थे, किस तरीके सभी सभी का प्रवचन हो रहा था, सब नारे लगा रहे थे, क्योंकि वो भी थोड़ी थोड़ी देर में भाषण दे रहा। कौन कौन थे नहीं बता, ये जितने आपने नाम लिए सब तो थे मंच। दिस फाउंडर ऑफ द दुर्गा वाहिनी हैज टेकन एक्सेप्शन टू द फैक्ट that the BJP abused the Hindutva ideology for its own political gains. Her displeasure with the BJP turns venomous when the reporter broaches the subject. She says, the BJP has cheated the nation. In her words, BJP ne apne rajnitik swarth ke liye istamal kiya. BJP ne na sirf Hinduo ko dhoka diya, balki Ayodhya mudde par Sant Samaj ko bhi dhoka diya. कोई ना जानता है संत तो नाराज इसलिए भी हुए कि भारतीय जनता पार्टी को जितना गंभीर उस विषय से बाद में होना चाहिए था, जितना उन्होंने राजनीतिक लाभ लिया उतनी तो वो नहीं रही ना, तो ये तो एक धोखा हुआ ना जनता के साथ। इस बात की तो संतों को बहुत दुख हुआ ना, क्योंकि संत समाज के सामने तो संत गए थे ना, इसलिए संतों के ऊपर जनता ने विश्वास किया, तो ये बात का तो दुख भी सब संतों को ही रहा ना कि भाई जिस चीज को लेके आप चले हो, या तो आप उसकी राजनीति की रोटियां ना सेकते, अगर आपने सेकी है तो आप उसके प्रति ईमानदार तो रहो। इस बात का दुख स्वामी वामदेव जी महाराज को ही क्यों होगा, सबको ही रहा होगा, सबको ही स्वाभाविक है। हम जैसों को भी लगा कि जैसे चले गए समाज में श्रद्धा का इतना बड़ा वातावरण बना, लेकिन शायद वो हम लोगों की अति भावुकता थी, उनकी अपनी सीमाएं थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे सरकार जा रही है, इस पे जा रही है, इस पे जा रही है, पर अगर आप राम जन्मभूमि के विषय पे अपनी सरकार को न्यौछावर करते हो तो ये पता चलता है कि आप उसके प्रति कितने सजग हैं, वो तो नहीं हुआ।
नष्ट हो जाए, इस शेर को कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।